सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। बिना किताबों से जो पढ़ाई सीखी जाती है उसे ही जिंदगी कहते हैं। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। मंजिलें तो मिलती है भटक कर ही सही, पर गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। आज का पंचांग 2 जुलाई 2022 दिन शनिवार, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि, दोपहर 3:17 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्लेषा नामक नक्षत्र सुबह 6:30 तक रहेगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:09 से 10:50 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:04 से 12:57 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगे। मीन राशि 2 जुलाई 2022 दिन शनिवार, अभी आप अपनी ताकत और कमजोरियों का आकलन कर रहे हैं, क्योंकि आपको कुछ नए मौके मिलने वाले हैं। दादा या दादाजी जैसे किसी व्यक्ति का समर्थन मिलेगा। कूटनीतिज्ञ संबंध आपको समझदारी और रचनात्मकता प्रदर्शित करने का मौका देंगे। अपने धन और समय को किसी सार्थक समय में लगाएं। आज आप आराम करने के मूड में हैं। आपको जीवन का अनुभव हर चीज का गुण मतलब सिखा रहा है। बुरी आदतों से दूर रहें, परिवार और बच्चों के साथ समय व्यतीत करें, क्योंकि सितारे बता रहे हैं कि आने वाला दिन व्यस्तता से भरा हुआ है। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो जोखिम लेना जानते हैं। लाभदायक परिस्थितियां बनी हुई है। किसी खास संबंधी का घर में आगमन होगा। काफी समय बाद सब मिलने से सभी लोग अपने आप को तनाव मुक्त व आनंदित महसूस करेंगे। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे भी विचार विमर्श हो सकते हैं। अभी हर एक काम पर ध्यान रखना जरूरी होगा। पैसों से संबंधित उतार चढ़ाव की वजह से चिंता हो सकती है। अपनी हर एक समस्या का हल ढूंढने की क्षमता आप में है, इस बात पर विश्वास रखें। काम से संबंधित किसी भी जिम्मेदारी को टालना गलत हो सकता है। हर एक काम को वक्त पर पूरा करने की कोशिश करें। पार्टनर के साथ हो रहे विवादों की वजह से चिड़चिड़ापन होगा। शरीर में महसूस होने वाले छोटे बदलाव पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी। सावधानियां: घर परिवार की जरूरतों को पूरा करने में अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। घर के किसी बुजुर्ग व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी, उनका उचित इलाज व देखभाल करें। अनावश्यक खर्चों पर काबू रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। अपने सूरत में बदलाव करके आप अपने प्यार की रोशनी को और भी साइनी बना सकते हैं। एक नया केस परिवर्तन भी अच्छा विकल्प है। चाहत में अहंकार को स्थान ना दें, बल्कि हमेशा अपने मिजाज को नम्र बनाए रखें। ससुराल वालों से टकराव की संभावना है, इसलिए ध्यान रखें। आज का दिन बहुत ही खास है। अपने उत्साह और इच्छाओं को जीवित रखें और अपने दोस्तों को पार्टी दें। आप और आपका साथी दोनों अपने नए नए रिश्ते को लेकर उत्साही और बेचैन हैं। आपका यह रिश्ता धीरे धीरे किंतु अच्छे से विकसित होगा। कुछ समय आराम के लिए भी निकालिए, क्योंकि अगले दिन व्यस्त रहने की संभावना है। बात करते हैं करियर की। आज आत्म मूल्यों को समझें और अपनी शक्ति व कमजोरी को पहचान कर आगे बढ़ें। आप अभी मानसिक रूप में पूरी तरह से सक्रिय हैं और आपको हर कोशिश में सफलता मिलने वाली है। याद रखें, जब उद्देश्य मजबूत होता है तो कड़ी मेहनत एक विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता बन जाती है। अब समय है पुराने दोस्तों से मिलने और गिले शिकवे दूर करने का। आलस्य और सुस्त महसूस कर सकते हैं। भावनाओं में न बहते हुए अपने रिश्तों का ख्याल रखें। आज आप पार्टी की मूड में है, लेकिन ऐसे में नशा करने से बचें। आने वाले समय में काम अधिक हो सकते हैं, इसलिए अपने प्रियजनों के लिए समय अवश्य निकालें। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य तो ठीक रहेगी, कभी कभी आपके विचलित मनोस्थिति का नकारात्मक प्रभाव आपकी कार्य क्षमता पर पड़ सकता है, ध्यान रखें। आज का उपाय: आज आप गरीबों को तेल का दान करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ
आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।